हमीरपुर बस अड्डे में ट्रैफिक कंट्रोल के कैमरे काफी दिनों से बंद पड़े हैं। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि क्यों ना कैमरे चेक किए जाएं, लेकिन धरातल पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। धरातल पर ये कैमरे बंद पड़े रहते हैं। वहीं हमीरपुर बस अड्डे के साथ लगी ट्रैफिक कंट्रोल की घुमटियों पर कुछ घुमटियों पर कैमरे लगाए गए हैं, वहीं कुछ पर नहीं है। जिन घुमटियों पर कैमरे लगाए गए हैं वे भी धरातल पर बंद ही रहते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि ये जो गुमटियाँ ट्रैफिक कंट्रोल की गुमटियाँ यहाँ पर स्थित हैं, इनका रंग भी निकल चुका है, जिससे ये गुमटियाँ देखने में अच्छी नहीं लगती। वहीं लोगों का कहना है कि हमीरपुर बस अड्डे में गुमटियों पर लगे कैमरे बंद पड़े रहते हैं। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो ख्याल आता है कि ट्रैफिक कंट्रोल के कैमरे चेक किए जाएं, लेकिन जब कैमरे की बात आती है तो कैमरे बंद पाए जाते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि बस अड्डे के सामने लगे गुमटियों पर रंग काफी दिनों से निकल चुका है। वहीं लोगों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इन गुमटियों पर रंग किया जाए ताकि ये देखने में सुंदर लगे। ये जो सरकार हर जगह पे कैमरे लगाती हैं, कुछ दिनों के बाद ये कैमरे बंद पड़े दिखाई देते हैं। जब भी कोई बस स्टैंड में या कहीं भी कोई हादसा होता है, लोग बोलते हैं आप कैमरे में देखो, तो इनका एक ही जवाब होता है कि कैमरे खराब पड़े हुए हैं। कुछ ही दिनों बाद ये कैमरे खराब हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाया जाए, पर यहाँ पे डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा जब हर चीज़ें हर कैमरे यहाँ पे खराब पड़े होते हैं। कोई भी हादसा होता है तो जब भी देखो तो कैमरे खराब हैं, जी कैमरे बंद पड़े होते हैं। की मांग है कि ये जो कैमरे शहर में कैमरे लगाए हुए हैं इनको चालू करवाया जाए, और जो ये पुलिस वालों के ऊपर जो घुमटियाँ लगी हैं इनके ऊपर पेंट करवा के इनको सुंदर और अच्छा बनाया जाए, हमारा शहर सुंदर और अच्छा लगे।